तो ध्यान रहे, इसको आध्यात्मिक दृष्टि से समझे तो हम आप सबकी भी दो पत्नियां होती है। अब आप सोचोगे ऐसा तो है नहीं, इधर हमारे लोग सोच रहे एक ही विवाह किए हैं महाराज, दो दो पत्नियां कहां से। तो देखो भैया, ये सुरुचि किसे कहते हैं, जो रुचि के अनुसार मन के अनुसार जो अपना काम करता है वो सुरुचि है। तो हम मन का भी करते हैं, और सुनीति का अर्थ सुष्ठु नीति, जो व्यक्ति अपने जीवनचर्या को सुंदर नीति धर्मशास्त्र के अनुसार है ना पालन करता हो वो क्या है, वो सुनीति है। सुनीति बुद्धि को कहते हैं और सुरुचि मन को कहते हैं ना। तो मन बुद्धि नाम की दो पत्नियां सबके पास है। अच्छा, बुद्धि का लोग कम सुनता है, बुद्धि को कम मानता है, लेकिन मन का सब सुनता है, मनमानी सब करते हैं, है ना। तो जिसका मन प्रबल होता है, तो जिसका मन प्रबल होता है वो व्यक्ति क्या होता है, दुरात्मा होता है। जिसकी बुद्धि प्रबल होती है वही महात्मा होता है। जिसका मन दृढ़ होता है वह पापात्मा होता है। जिसकी बुद्धि दृढ़ होती है वह साधु महात्मा होता है। तो सुनीति से कम प्रेम करते थे महाराज उत्तानपाद, और सुरुचि से खूब प्रेम करते थे।